Now we have question number 95. Find the sum to n terms of the series 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 and so on. So ये सीरीज है, ठीक है, सीरीज है 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 and so on. तो अगर हम इसका nth टर्म सोचें, तो इसका nth टर्म होगा n into n plus 1 into n plus 2. वेरीफाई करते हैं, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, सो देखो ये आ जाएगा 1 एंड 1 प्लस 1 2 एंड 1 प्लस 2 3. सिमिलरली n इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 एंड 2 प्लस 1 3 एंड 2 प्लस 2 4. ठीक है, सो इसका nth टर्म हो गया. नेक्स्ट टर्म है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2. इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 2. सो वी गेट n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एंड प्लस 2n. So, ये आ जाएगा एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n. हमें निकालना है सम टू n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, दैट इज Sn, एंड ये होगा समेशन n इक्वल टू 1 टू n tn. सो नाउ tn की जगह हम पुट करेंगे दिस, से आ जाएगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n. तो नाउ Sn इक्वल टू, ये हो जाएगा समीशन n इक्वल टू 1 टू n n क्यूब प्लस 3 इंटू समीशन n इक्वल टू 1 टू n n स्क्वायर प्लस 2 इंटू समीशन n इक्वल टू 1 टू n n. एन क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, समीशन एन क्यूब का, सो ये आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस समीशन एन एन स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस टू इंटू समीशन एन का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू. अब देखो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, थ्री से सिक्स टू टाइम्स हो जाएगा. सो अब देखो एन इंटू एन प्लस वन कॉमन आ रहा है तीनों में से, सो एन इंटू एन प्लस वन कॉमन लिया. अब देखो ब्रैकेट में बचेगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन फोर, ठीक है, एंड प्लस 2n plus 1 upon 2 and plus 1. अब हम क्या करेंगे, LCM लेंगे इधर, ठीक है, सो ये आ जाएगा n into n plus 1, LCM लिया, LCM 4 होगा, ठीक है, सो ये आ जाएगा इसका n का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे या ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, सो ये आ जाएगा n into एन प्लस वन प्लस आप एलसीएम फोर है तो टू का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इधर, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, सो ये आ जाएगा फोर एन प्लस टू, ठीक है, एंड ये आ जाएगा प्लस फोर. नाउ ये आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन फोर एंड ब्रैकेट में है दिस, सो ये है एन एन प्लस वन प्लस फोर एन प्लस फोर में से फोर कॉमन आ रहा है, सो आ जाएगा फोर एन प्लस वन प्लस टू.
नाउ ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन फोर्थ। देखो ऐसे कोई कॉमन तो आ नहीं रहा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसे ब्रेक कर लेते हैं, एन का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस फोर एन प्लस फोर प्लस टू, ठीक है। सो ये आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन फोर एन स्क्वायर। अब देखो फोर एन प्लस एन ये हो जाएगा फाइव एन एन प्लस सिक्स। सो या एक काम करते हैं, ये प्लस सिक्स हो जाएगा, है ना, इन दोनों में से एन कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस फाइव एन, ठीक है, एन प्लस सिक्स। नाउ एन इंटू एन प्लस वन अपॉन फोर। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एन के फॉर्म में, एन में सॉरी, ठीक है। सो ये जो फाइव एन है इसको वी कैन राइट थ्री एन प्लस टू एन प्लस सिक्स। इस फाइव एन को हमने लिख दिया है थ्री एन प्लस टू एन, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सो ये आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन फोर, इसमें से एन कॉमन आएगा, सो ये यहाँ पे बचेगा एन प्लस थ्री, इसमें से टू कॉमन आ जाएगा, सो यहाँ पे बचेगा एन प्लस थ्री। नाउ तो ये आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन एंड ये आ जाएगा एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस टू अपॉन फोर। तो दिस इज द आंसर।